महिलाएं सशक्त होंगी तो देश सशक्त होगा। महिलाओं के उत्थान तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने विभिन्न योजना चलाई हुई है, जिसमें से एक है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसमें जिला भर से लगभग 30,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। केंद्र व राज्य सरकार का प्रयास है कि महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने। यह मिशन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आवश्यकता अनुसार पूंजी उपलब्ध करवाता है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं की आज जिला स्तरीय मीटिंग बुलाई गई, जिसमें फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक दुड़ाराम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि समाज व राष्ट्र के नव निर्माण में शुरू से ही महिलाओं की अहम भूमिका रही है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। विधायक ने महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में समूह की महिलाओं से चर्चा की और उनसे परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। आज ये जिले लेवल पर जो खासकर भारत सरकार की स्कीम होती है, हरियाणा सरकार की स्कीम होती है, और ये गाँव जाके समूह काम करते हैं, और जिले लेवल पर आज इन्होंने संगठन था, संगठन के बीच में आया हूँ और सारी बातें जो इनको क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या होना चाहिए, उनके बारे में जिला संगठन के नाते टीम आई प्रतिनिधि आयोजित सभी प्रतिनिधि आए थे जिला फतेहाबाद से, उनके बीच में आया हूँ। देखो तो फतेहाबाद ज़िले में करीब 30,000 महिला जुड़ी हुई हैं, हर ब्लॉक वाइज ज़िले के आंकड़े 30,000 से लगभग है, और आगे भी ज़्यादा जुड़ने के मैं जैसे बात की तो आने वाले टाइम में 30 के बजाय 40-50,000 तक महिला जुड़ेगी। सर, सरकार द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा क्या सहायता मिलती है? इनकी स्कीमें होती है, अलग अलग स्कीमें होती है, उस स्कीमों में इनको पैसे मिलते हैं गरीब महिलाओं को, जिसे उनका गरीब महिलाओं के लिए काम करने का काम भी मिलता है, और कुछ स्कीमें होती हैं हर तरह की, तो गरीब महिलाओं को गरीब आदमी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, गरीब आदमी को काम मिल सके, इस कई स्कीमें इसकी। इस मौके पर DPM रण विजय ने कहा कि जिला में कुल 2700 स्वयं सहायता समूहों में 30,000 महिलाओं को संगठित किया गया है। अगले वर्ष तक 50,000 महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रणविजय ने बताया कि समूह की महिलाएं डेयरी उत्पाद, अचार, पापड़, मुरब्बा, दरी, चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन, विभिन्न प्रकार के मसाले व गारमेंट्स आदि अन्य वस्तुएं बना रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी महिलाओं ने जिला में 50 लाख से ज़्यादा मास्क, PPE किट, हैंड सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि उत्पाद बनाकर उचित दरों पर सरकार विभागों व आमजन को उपलब्ध करवाए थे। आज जिला स्तरीय महिलाओं का जो संगठन है उसका बैठक था, उस बैठक में फतेहाबाद हलके के विधायक माननीय श्री दुराराम जी पधारे थे, और वो देखना चाहते थे कि महिलाएं कैसे बैठक कर रही हैं, अपने संगठन के द्वारा अपना और अपने परिवार का विकास कैसे कर रही हैं। तो उन्होंने महिलाओं के बीच बैठक में भाग लिया और महिलाओं से बातचीत किया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया, यही था आज कार्यक्रम। सर, हम बात करें तो जिला में कितनी महिलाएँ इस वक्त कार्यरत हैं? 30,000 से ज़्यादा महिलाएं, 2700 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और 177 ग्राम संगठनों, 9 क्लस्टर संगठनों के माध्यम से अलग अलग गांव की महिलाएं जुड़ी हुई हैं इसमें। जी सर, कैसे इन महिलाओं को आजीविका दी जाती है? इन महिलाओं को पहले तो स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाता है, उनको छोटा छोटा बचत करना सिखाया जाता है, उसके बाद बचत के माध्यम से उनको छोटा छोटा कर्ज लेने के लिए सिखाया जाता है, उसको सही समय पे वापस करें, उसके बाद इनको इनके संगठनों के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है, और मिशन के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण, जिसका जिस कार्य में रुचि होता है उस कार्य को करने के लिए उनको पहले प्रशिक्षित करवाया जाता है, जैसे RCT है और अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग करवा के फिर उन संगठनों के माध्यम से और बैंकों के माध्यम से उनको लोन दिलवाया जाता है, और वो रोजगार करके पहले अपने परिवार का भरण पोषण भी करती हैं और धीरे धीरे करके किस्तों में बैंक या जो संगठन है उनका पैसा वापस करती हैं।
वहीं महिलाओं का कहना है कि इस योजना के तहत जिला की महिलाओं को लाभ प्राप्त हो रहा है। आज हर जरूरतमंद महिला के पास रोजगार है, जिससे हम अपना घर चलाने में सक्षम हैं। आज की हमारी DLF की मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन। इस मीटिंग के अंतर्गत जो हमारे आजीविका मिशन है 2014 में फतेहाबाद में शुरू किया गया था, इस मिशन की शुरुआत में हमने क्या क्या स्कीमें चलाई, कितने लोगों को रोज़गार दिया और किस किस गांव में कितनी महिलाओं को जोड़ा है, इन सारी स्कीमों को अवगत कराने के लिए यहाँ के MLA चौधरी दूड़ाराम जी के साथ हमारी बैठक करवाएगी। उन्हें इस हमारे कार्यक्रम के बारे में बताया गया। इसका उद्देश्य ये था कि गांव से दूर गांव से आई हुई ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाना और उन्हें अपने स्थायी आजीविका चलाने के लिए उद्योग धंधे करवाना और उनकी गरीबी को दूर करने के उद्देश्य से ही हम इस तरह की बैठकें हर महीने करते हैं। और इस बैठक में हमने अभी आपने बोला कि उद्योग धंधे हम बात करें तो कैसे अभी आप उद्योग धंधों से मतलब है कि अगर किसी महिलाओं को हाथ से बनी हुई जैसे अचार बनाना हो गया, पापड़ बनाना हो गया, उनका हाथ का हुनर है और उस हुनर को हम बाहर निकालने के लिए उद्योग धंधों में बदल कर उन्हें ऋण दिलवाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उस हिसाब से उनकी मदद करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते। एक महिला से 10 महिलाओं को काम मिलता है। इसी तरह फतेहाबाद ज़िले में हर एक गांव में, हर गली मोहल्ले में हमारे स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। एक समूह में 10 महिलाएं होती हैं। अगर एक महिला को कोई काम मिलता है तो वो सभी 10 महिलाएं उनकी मदद करती हैं और उस काम को बढ़ावा देती हैं।